मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस में अंतर कलह जारी है। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर पार्टी के अंदर सियासी घमासान मच गया है और पार्टी के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया और राजनांदगांव में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र दाऊ ने बघेल के बयान पर पलटवार किया है। दोनों नेताओं ने बघेल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, स्लीपर सेल बनने के बजाय सुसाइडल बम बनना पसंद करेंगे। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर चौतरफा अब पलटवार शुरू हो गया है और अरुण सिसोदिया ने इसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल बनने के बजाय हम सुसाइडल बम बनना पसंद करेंगे। कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इतनी हल्की टिप्पणी से मैं बहुत व्यथित हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। और रही बात स्लीपर सेल, तो मैं फौजी आदमियों में स्लीपर सेल नहीं हो सकता। मैं भले सुसाइड बॉम्ब खुद हो सकता हूं, लेकिन स्लीपर सेल नहीं हो सकता और ना ही सुरेंद्र दाऊ हो सकते हैं। हम अपने ऊपर बम बांध के फट सकते हैं। एक फौजी जब जरूरत आती है तो अपने देश के लिए मर मिटता है, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए उस तरह से करने को तैयार है, लेकिन स्लीपर सेल नहीं हो सकते। और दूसरी बात, अगर स्लीपर सेल की बात आ रही है तो उनके इर्द गिर्द उनके बहुत सारे साथी पूरे प्रदेश में स्लीपर सेल बन के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये स्लीपर सेल बहुत घातक है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरा अनुरोध है कि ऐसे स्लीपर सेल जो उनके साथ है उन्हें चिन्हित करके पार्टी से बाहर करें। जी सुसेतिया जी, चूँकि राजनांदगांव जिले के प्रभारी रहे, बहुत सालों उन्होंने राजनांदगांव के लिए काम किया है और इस बीच में हमारी अच्छी उनसे मुलाकात होती रहती है, अच्छी मित्रता है। चूँकि आज उनका राजनांदगांव प्रवास था तो उन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि मैं आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ, तो हमारी एक औपचारिक मुलाकात आज हुई है। और बस मैं तो अपने हम सब का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी में सुधार हो, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है उसको सुनी जानी चाहिए और कैसे भी करके हम सब इसको सॉर्ट आउट करें और पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस प्रदेश